श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में जहां इस वर्ष धान का किसानों ने बहुत अच्छा उत्पादन किया है उसके मूल्य के ऊपर अपनी चिंता सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। किसानों ने सारे दिन रात मेहनत करके इस वर्ष अच्छी फसल का उत्पादन किया। दुर्भाग्य से पिछली सरकार की आयात निर्यात नीति में विसंगति के चलते इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को जो उसका मूल्य मिलना चाहिए था मूल्य नहीं मिल रहा। 1200 से 1400 1500 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य किसानों को मिल रहा है जो उनकी लागत के हिसाब से, क्योंकि किसान को खाद दवा पानी मजदूरी डीजल बिजली इतनी चीजों पर उसको खर्च करना पड़ता है और एक किसान को प्रति एकड़ कम से कम 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लागत किसान की आती है। अब 1200 और 1400 रुपए में अगर किसान अपना उत्पाद बेचेगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी, किसान घाटे में चला जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार इस संबंध में दोबारा से इस पर पुनर्विचार करे। मेरा होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के अनेक हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ हमारा है जहां धान का कटोरा माना जाता है। धान उत्पादक किसान पूरी तरह धान पर निर्भर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि समर्थन मूल्य धान का कम से कम 3800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल का प्रति क्विंटल निर्धारित होना चाहिए जिससे किसान का जो 20-22 क्विंटल एकड़ पर उसकी धान निकलती है उसे अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जो समर्थन मूल्य अनाज उत्पाद का इस देश में लागू होता है स्थानीय मंडियों में उस मूल्य के ऊपर माल बेचा जाए इसकी बाध्यता व्यापारी और प्रशासन पर होना चाहिए। क्योंकि समर्थन मूल्य अगर 3000 रुपए है माल बिकता 2000 रुपए में, ये उचित नहीं है, किसान का उसको लाभ नहीं मिल पाता। मैं देखिए आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि समर्थन मूल्य का पालन हो और धान के हमारे किसान जो उत्पाद कर रहा है धान का उसको सही मूल्य वाजिब मूल्य मिले। धन्यवाद।